देखो इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स के लेंज लॉ के कुछ एग्जांपल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका बेस बनाते हैं चैप्टर का। पहला पॉइंट फ्लक्स कैलकुलेशन बी डॉट ए है, इसमें कुछ एग्जांपल्स गिवन है। इसमें बी और ए में एंगल जीरो है, एन कैप का मतलब एरिया वेक्टर है, इसके अंदर बी और एरिया वेक्टर में एंगल थीटा है, इसमें बी और एरिया में एंगल जीरो है तो फ्लक्स बी इंटू ए इंटू कॉस जीरो है, इसमें बी और एरिया में एंगल 180 है तो बी ए कॉस 180 माइनस 1 होता है तो माइनस बी ए। फिर अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, अगर आप एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल मैग्नेट इस कॉयल की तरफ लेके आए तो नॉर्थ पास आ रहा है, तो ये कॉयल प्लीज ऐसे इमेजिन करना है, ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है। तो नॉर्थ पास आ रहा है तो ये क्या डेवलप कर लेगा, यहाँ से नॉर्थ नॉर्थ, तो नॉर्थ डेवलप करने का मतलब यहां पर करंट कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। पहला आंसर ठीक। वो कभी कभी ये नहीं पूछेगा एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, ज्यादातर नहीं पूछेगा, वो आपसे ये पूछेगा कि नीचे लगा हुआ है गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर में करंट राइट गया कि लेफ्ट आया, तो आपने करंट ऊपर से लेना एंटी क्लॉकवाइज, यहां से घूमता हुआ ऐसे जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में गिवन होगा कि कैसे आंसर देना है। तो पहला आंसर क्लियर है। नेक्स्ट है, अगर नॉर्थ पोल दूर जा रहा है विद सम वेलोसिटी, अब ये दूर जा रहा है, दूर जा रहा है तो ये कौन सा पोल डेवलप कर लेगा यहां पर, साउथ। साउथ का मतलब यहां से करंट आपको कैसे दिखेगा, क्लॉकवाइज। दूसरा आंसर भी क्लियर है। तीसरा, सपोज करो वेलोसिटी जीरो है, वेलोसिटी जीरो का मतलब मैग्नेट मूव नहीं कर रहा, तो मैग्नेट मूव नहीं कर रहा तो मैग्नेटिक फ्लक्स कॉन्स्टेंट है, ना ज्यादा ना कम, तो ऐसे केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू यहां पर क्या होगी, जीरो, इसमें कोई करंट पैदा नहीं होगा, ठीक, क्योंकि मूवमेंट ही नहीं हो रही, चेंज ही नहीं हो रहा कुछ भी। नेक्स्ट है, यहां पर वेलोसिटी क्या है मैग्नेट की, जीरो, तो बोलो यहां करंट क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि ये देखो छोटा लिखा हुआ है, ट्रॉली के ऊपर कॉइल को बिठा के कॉइल को पास लेके आ रहे हैं, ठीक है, मैग्नेट नहीं पास आ रहा, ट्रॉली पास आ रही है, तो अगर ट्रॉली पास आ रही है तो फ्लक्स बढ़ेगा, तो ये ऑटोमेटिकली यहां क्या डेवलप कर लेगा, नॉर्थ, तो इस तरफ से करंट क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ रहा है यहां तक कैसे आंसर देना है। जैसे सपोज नॉर्थ पोल पास आ रहा है तो कर लिया नॉर्थ पोल है, कर लिया, नॉर्थ दूर जा रहा है कर लिया ये साउथ है। ये दो टाइप के क्वेश्चन इतने आते हैं पेपर में, नीट से लेके एनसीईआरटी से लेके मेंस में आपको बहुत मिलेंगे ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चंस या मिलते जुलते क्वेश्चंस। इसमें ये गिवन है, जैसे सपोज करो आपके पास कोई भी करंट कैरिंग वायर है, वापस से मैग्नेटिक इफेक्ट पे जा रहे हैं एक मिनट के लिए, तो आपके पास कोई भी करंट कैरिंग वायर है, तो ये करंट कैरिंग वायर है, ये रही, तो इस करंट कैरिंग वायर में करंट आए है, इसमें ये लो एक लूप पड़ा हुआ है, ऐसे खाली पड़ा है, इसमें कोई करंट करंट कुछ नहीं है, तो लेट अस सपोज इसमें करंट आई है, तो मुझे ये बताओ कि इसके सेंटर पे बी कैसे जनरेट होगा, डायरेक्शन बोलो, स्ट्रेट वायर है, बाइट सर्वेट लॉ, थंब करंट के साथ, बी कैसे होगा, इनसाइड, इनसाइड, तो बी के ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, इनसाइड, राइट, क्लियर है यहां तक। करंट क्योंकि कॉन्स्टेंट है तो इस क्वाइल का बी भी कॉन्स्टेंट, हमने लास्ट चैप्टर में किया, हमने करंट कभी चेंज नहीं किया उस चैप्टर में, करंट कांस्टेंट रखा, क्यों, क्योंकि करंट अगर सपोज यहां पर मैंने क्या कर दिया, इंक्रीज, तो बी भी यहां पर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अब कॉइल कहता है अच्छा कोई मेरा बी इंक्रीज कर रहा है, कहां कर रहा है, अंदर की तरफ, कॉइल कहता है ठीक है अब मैं करंट पैदा करूंगा और बी कैसे जनरेट करूंगा, बाहर की तरफ, क्योंकि ये कॉइल ये वायर इसका बी अंदर इंक्रीज कर रहा है, तो ये क्या करेगा, अपना बी बाहर कर लेगा और करंट कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉक, तो ये पैदा ऐसे करंट करेगा ताकि इसका बी कैसे जनरेट हो जाए, आउटसाइड, तो क्वेश्चन में पूछा जाएगा इसमें करंट कैसे होगा, बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, फिर से करते हैं। सपोज करो आपके पास फिर से एक करंट कैरिंग वायर है, ये आपका करंट है आई और ये कॉइल है, बताओ इसमें करंट पैदा होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा, आपने पूछा ही नहीं सर करंट कांस्टेंट है कि नहीं, अगर करंट कांस्टेंट है तो बी कांस्टेंट है तो कैसे होगा, मेरे को देना चाहिए कि बी यहां पर क्या हो रहा है, सपोज डिक्रीज, डिक्रीज, अब बी डिक्रीज हो रहा है तो ये करंट इसके सेंटर पे बी कैसे जनरेट करेगा, आउटसाइड, तो यहां पर बी कैसे जनरेट होगा, आउटसाइड, क्या ये पॉइंट क्लियर है, बी इसमें आउटसाइड है।
तो बी अगर इसमें आउटसाइड है तो ये और बी की वैल्यू इसमें क्या होगी, डिक्रीज, करंट डिक्रीज तो बी डिक्रीज। अब ये कहता है अच्छा मेरा बाहर की जो बी कम कम हो रहा है तो कहेगा ठीक है मैं भी बी अपना भी बाहर कर लेता हूं ताकि करंट इसमें बी कैसे हो जाए इंक्रीज, तो करंट कैसे घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो इसमें करंट ये रहा, तो इसके अंदर बी आउटसाइड है, तो इसमें अगर करंट आउटसाइड है तो उस केस में बेसिकली क्या होगा, अगर बी आउटसाइड है तो ये भी बी कैसे जनरेट करेगा आउटसाइड, तो करंट एंटी क्लॉकवाइज। तो समझ में आ रहा है आंसर कैसे देना है इसमें, क्लियर है अर्जित? कोई डाउट इसमें, ऑनलाइन क्लियर है? यस सर, तो ठीक हो गया ना। अगर करंट यहाँ डिक्रीज हो रहा है तो इसके सेंटर पे बी इनसाइड होगा डिक्रीज, तो ये अपना बी अंदर की तरफ कम होने नहीं देगा तो अपना बी भी अंदर कर लेगा करंट क्लॉकवाइज। अब फिर इधर देखो, यहां पे करंट क्या हो रहा है इंक्रीज, तो बी कैसे जनरेट होगा बाहर और कैसे होगा इंक्रीजिंग बी, तो ये चाहेगा अच्छा मेरा बी बाहर इंक्रीज हो रहा है तो मैं अपना बी अंदर कर लेता हूं, तो कैसे होगा क्लॉकवाइज। राइट, क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट है, नॉर्थ पोल पास आ रहा है तो नॉर्थ पोल एंटी क्लॉकवाइज बता दिया। मैग्नेट अगर इसके पास आ रही है सोलेनोइड के तो इसका फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तो अगर ये नॉर्थ पास आ रहा है तो ये भी नॉर्थ हो जाएगा, और इस एंड से नॉर्थ के एंड से आपको करंट कैसे दिखेगा एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट है, सपोज ये रिंग है, ये रिंग ऐसे पड़ी हुई है, कुछ ऐसे होना चाहिए इसे, ये रिंग ऐसे पड़ी हुई है, ऐसे ऐसे पड़ी हुई है, ऐसे ऐसे नहीं है, ये ऐसे है। तो वो कहता है कि ठीक है मैंने स्विच को ऑन किया, स्विच ऑन करके एकदम करंट इसके अंदर क्या हुआ इंक्रीज हुआ, करंट इंक्रीज हुआ सोलेनोइड के एक्सिस के ऊपर बी की वैल्यू भी इंक्रीज हुई, वो भी इस कॉइल के सेंटर से पास हो गई। अब कॉइल कहता है अच्छा मेरा बी इधर इंक्रीज हो रहा है तो मैं अपना बी कैसे करूंगा ऐसे करूंगा, तो करंट कैसे घुमाऊंगा ऐसे, या ऐसे कर सकते हैं। चलो अगर मैं इसमें करंट इंक्रीज करूंगा, करंट इंक्रीज करूंगा तो मान लेते हैं ये नॉर्थ पोल डेवलप हो गया या साउथ डेवलप हो गया, कुछ भी इमेजिन कर लो ये लो, तो जैसे ये साउथ डेवलप हुआ तो इसमें करंट पैदा होगा और फ्रिक्शन लेस है, मूवेबल है, ताकि ये भी क्या डेवलप कर लेगा अपना एंड साउथ, ताकि साउथ साउथ को क्या कर सके रिपेल, साउथ साउथ को रिपेल करेगा तो कॉइल बाहर भाग जाएगा, क्यों ऑपोजिशन शो करने के लिए, क्योंकि स्विच ऑन करती करंट बढ़ेगा और कॉइल को ऑपोजिशन शो करनी है तो दूरी भागेगा, तभी तो बी की वैल्यू कम होगी। क्लियर है यहां तक? जैसे नेक्स्ट ये रहा, इसके अंदर होना तो कायदे से ये चाहिए था कि ये जो कॉइल है इसके ऊपर होना चाहिए, पर चलो साथ है कोई बात नहीं, होना ये चाहिए एक्चुअल में ऐसे है, पर चलो ऐसे रखो वो कंफ्यूजन हो जाएगी। वो कह रहे हैं कि इसमें मान लो रेजिस्टेंस की वैल्यू को मैंने कम किया, जब मैंने इसमें रेजिस्टेंस को कम किया तो करंट यहां पर क्या हुआ इंक्रीज हुआ, करंट यहां पर इंक्रीज हुआ, करंट यहां पर इंक्रीज हुआ तो बी की वैल्यू भी क्या हुई इंक्रीज हुई, तो इसका बी कहां पर होगा आउटसाइड होगा, तो बी आउटसाइड क्या हुआ इंक्रीज हुआ। पड़ोस की कॉइल ऐसी बैठी हुई थी यार, इसका बी इंक्रीज हुआ तो इसने इसका भी बी इंक्रीज कर दिया। अब ये कॉइल कहती है यार मेरे को बी को इंक्रीज कर रहे हो तो मैं अपना बी क्या करूंगा ऑपोजिट कर लूंगा, ताकि इंक्रीजिंग बी को मैं क्या कर सकूं अपोज, तो करंट कैसे घुमाएगा इन ऑपोजिट डायरेक्शन। क्लियर है यहां तक? तो पहले ये देखो कि इसका बी क्या हो रहा है इंक्रीज बाहर, तो साथ वाली कॉइल का भी पड़ोस का भी सेम हो जाएगा, तो ये क्या करेगी अपना बी अंदर कर लेगी ताकि करंट क्लॉकवाइज को में और आपके इंक्रीजिंग बी को अपोज कर सके। जैसे ये रहा, इसके अंदर मैग्नेट ए मूव्स अवे विद सम स्पीड एंड मैग्नेट बी मूव टूवर्ड विद सेम स्पीड, तो कह रहे हैं मैग्नेट ये दूर जा रहा है और ये पास आ रहा है, स्पीड दोनों की सेम है, तो होगा क्या नॉर्थ पोल क्या हो रहा है इसमें दूर जा रहा है, तो ये वाला पोल क्या डेवलप हो जाएगा नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करने के चक्कर में, और ये नॉर्थ पास आ रहा है तो ये क्या डेवलप करेगा साउथ नॉर्थ नॉर्थ इसको रिपेल करने के चक्कर में। अब प्रॉब्लम क्या है कि स्पीड जितनी स्पीड से ये दूर जा रहा है उतनी स्पीड से ये पास आ रहा है, तो अगर यहां से नॉर्थ पास आ रहा है तो ये नॉर्थ मेरा हाथ है ये नॉर्थ हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से करंट यहां क्या होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज हो गया। इस मैग्नेट फैसला सुना दिया एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां क्लॉकवाइज, तो ये मैग्नेट कहता है नॉर्थ दूर जा रहा है तो ये वाला फेस क्या हो जाएगा साउथ,
तो ये क्या हो गया, साउथ का मतलब क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ही हुआ। रिपीट करता हूं, ये मैग्नेट इसके पास आ रहा है, तो ये मैग्नेट जब इसके पास आ रहा है तो ये वाला पोल क्या हो गया यहां पर नॉर्थ, ये जो पोल है ये पोल क्या हो गया यहां पर नॉर्थ, रिपल्शन के चक्कर में, और नॉर्थ क्या जा रहा है इसमें दूर जा रहा है, तो ये वाला क्या हो गया साउथ। ठीक है यहां तक? तो इस केस में मैग्नेट ए मूव्स अवे और मैग्नेट बी मूव्स टुवर्ड्स, तो रिंग के अंदर क्या होगा, रिंग के अंदर कुछ ईमेज जनरेट होगी, एक प्रॉब्लम है। नॉर्थ दूर जा रहा है और नॉर्थ पास आ रहा है, देखो रिलेटिवली नॉर्थ दूर जा रहा है और उसी स्पीड से नॉर्थ पास भी आ रहा है, तो रिलेटिव मोशन तो जीरो ही होगी ना यार। तुम कह रहे हो, सोचो डायग्राम में दिखाता, मैं कहता हूँ नॉर्थ दूर जा रहा है और मैं कह रहा नहीं नहीं नॉर्थ पास भी आ रहा है, तो नेट इफेक्ट तो जीरो हो गया ना, जितना दूर जा रहा है उधर से उतना वो पास आ रहा है, तो नॉर्थ पोल जितनी लाइंस को दूर लेके जाएगा ये नॉर्थ पोल उतनी लाइंस को पास ले आएगा, तो नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा जीरो, कुछ होगा ही नहीं इसमें, तो इसलिए इसमें कोई ईएमएफ जनरेट होने वाली है नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस जितनी इस मैग्नेट की पास आ रही है उतनी इस मैग्नेट की दूर भी जा रही है, तो नेट इफेक्ट इसमें जीरो रहेगा, कुछ होगा नहीं। जैसे ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, मैग्नेट इस मैग्नेट में क्या हो रहा है, इस मैग्नेट में ये पास आ रहा है यहां से दूर जा रहा है, तो साउथ पास आ रहा है तो क्या डेवलप हो जाएगा साउथ, और नॉर्थ दूर जा रहा है तो क्या डेवलप हो जाएगा साउथ, तो ठीक है। तो इसमें साउथ इस तरफ से करंट कैसे दिखेगा क्लॉकवाइज, और यहां से कैसे दिखेगा क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, ये बहुत पेपर में आता है इस तरीके से। मान लो ये एक सपोज एक क्वाइल है जिस या एक लूप है, रेक्टेंगुलर लूप है, और ये मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा है और मैग्नेटिक फील्ड में ये एंट्री कर रहा है ऐसे, ठीक है। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री कर रहा है तो उस केस में क्या होगा बताओ, उस केस में जब ये मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री करेगा तो इसका एरिया बढ़ता जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, और जब मैग्नेटिक फील्ड में इसका एरिया बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, उस केस में इसका फ्लक्स बढ़ेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड में जब एरिया बढ़ेगा इसका फ्लक्स बढ़ेगा, जब इसका फ्लक्स बढ़ेगा तो क्या होगा, ये नहीं चाहेगा इसका फ्लक्स बढ़े, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है, इनसाइड है, ये नहीं चाहेगा इसके अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़े, तो ये क्या चाहेगा, ये करंट को ऐसे जनरेट करेगा कि इसका बी खुद बाहर आ जाए, क्यों, क्योंकि एंट्री करते हुए इसने देखा मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर की तरफ है और उसका फ्लक्स बढ़ रहा है, ये नहीं चाहेगा फ्लक्स बढ़े, तो ये अपने फ्लक्स को कम करने के लिए बी कैसे जनरेट करेगा बाहर, और करंट कैसे घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज। सेम इसकी सिचुएशन है, ये वाला लूप क्या कर रहा है, ये वाला लूप बाहर जा रहा है, बाहर जाने का मतलब इसका फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि एरिया अंडर द मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है, बी कम हो रहा है, लाइंस कम क्रॉस करेंगी, तो ये इसने देख लिया कि इसका बी इनसाइड कम हो रहा है, तो ये क्या चाहेगा, ये अपना बी भी अंदर कर लेगा ताकि इसका बी क्या हो जाए इंक्रीज हो जाए, तो क्लॉकवाइज करंट है। सेम विद दिस, ये मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री कर रहा है तो इसका फ्लक्स बढ़ रहा है अंदर की तरफ, ये नहीं चाहेगा, ये अपना बी बाहर कर लेगा, ऐसे करंट हो गया। इधर देख लो, ये ट्राइंगल बाहर निकल रहा है, इसका एरिया कम हो रहा है फील्ड में, फ्लक्स कम हो रहा है अंदर की तरफ, क्रॉस अंदर की तरफ है, जब फ्लक्स कम हो रहा है तो ये नहीं चाहेगा, ये अपना भी अंदर कर लेगा, तो करंट कैसे घूमेगा क्लॉकवाइज। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो ये आपके पास ये केस है, और इसमें जैसे ये रहा, ये बहुत आता है एनसीईआरटी में यार, बहुत ज्यादा आता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक।
नॉर्थ पोल इस क्वाइल के पास आ रहा है, नॉर्थ पोल इस क्वाइल के पास आ रहा है, तो जब नॉर्थ पास आ रहा है तो ये कैसे पोल डेवलप करेगा? नॉर्थ यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। इसके अंदर एक कैपेसिटर लगा दिया इसके बीच में, कहां पे? पीछे की तरफ, पीछे की तरफ कैपेसिटर लगा दिया। ठीक, वैसे देखने में पता नहीं लग रहा पीछे आगे, कईयों को लग रहा है आगे लगा है, कईयों को लग रहा है ये पीछे लग रहा है, पता नहीं लग रहा। मैंने अज्यूम किया पीछे की तरफ इसमें कैपेसिटर लग गया। करंट कैसे घूम रहा था? एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि नॉर्थ पास आ रहा है तो ये नॉर्थ है तो एंटी क्लॉकवाइज है। तो जब इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, तब इसमें इसमें क्या होगा? देखो एंटी क्लॉकवाइज के केस में एक नोट लिखना फॉर्मूला बुकलेट में पहले, क्या? इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये पक्का लिख लो, ये चैप्टर के अंदर बहुत काम आएगा रिजल्ट। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। देखो तो ये देखो, इधर देखो, मैं रिपीट कर रहा हूं, हमें ये तो पता लग गया कि करंट एंटी क्लॉकवाइज है, तो इंड्यूस करंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो वो पूछेगा कि कौन सी प्लेट पॉजिटिव कौन सी नेगेटिव, तो ऑब्वियसली नीचे वाली प्लेट नेगेटिव, क्योंकि करंट को कैसे घूमना है? एंटी क्लॉकवाइज। तो स्टार्ट कहां से करेगा? नेगेटिव। एंड कहां पर करेगा? पॉजिटिव। नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो नीचे वाली नेगेटिव ऊपर वाली पॉजिटिव। तो कैसे आंसर देना है समझ में आ रहा है? ठीक है, ये देखो ये प्लेट है, नॉर्थ पास आ रहे तो एंटी क्लॉकवाइज तो है ही, तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे, तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमेगा, नेगेटिव से स्टार्ट होता है पॉजिटिव से खत्म, तो नीचे वाली प्लेट नेगेटिव ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव। क्लियर है यहां तक? इस क्वेश्चन के अंदर ये देखो, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर क्या होगा कि आपके सामने एक सोलेनोइड है, इस सोलेनोइड में मैग्नेट पास आ रहा है, पास आ रहा है तो ये साउथ है और ये नॉर्थ, साउथ पास आ रहा है तो ये साउथ है और नॉर्थ दूर जा रहा है तो ये साउथ है, अपोज करेगा ना, तो ये साउथ को पास आने देगा नहीं और नॉर्थ को दूर जाने देगा नहीं, तो अगर ये साउथ है तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है तो ये नॉर्थ है, कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? अब आपको यह बताना है कि करंट बी से ए, ए से बी कैसे जाएगा। ठीक, कि मैग्नेट पास आ रहा है तो ये साउथ पास आ रहा है तो ये क्या डेवलप करेगा? साउथ, अपोज के चक्कर में, और नॉर्थ दूर जा रहा है तो ये साउथ। आपको बताना है कि देखो ये साउथ है तो इस तरफ से करंट आपको दिखेगा क्लॉकवाइज और यहां से क्या दिखेगा? एंटी क्लॉकवाइज, और ये साउथ है तो यहां से क्लॉकवाइज, यहां से एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर मैं ये बोलता हूं कि क्लॉकवाइज यहां से क्लॉकवाइज करंट है, क्लॉकवाइज 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 और ये क्लॉकवाइज ऐसे, तो करंट क्लॉकवाइज ना लिखें, आपको ऑप्शन मिलेगा डी से लेके कहां तक? सी तक, कि सी से डी तक? आपने आपका जो आंसर है वो विद रिस्पेक्ट टू एमीटर होता है, आप एमीटर खुद बन जाएं, आप अपना आंसर खुद मत दें कि इसमें राइट है कि राइट जा रहा है कि लेफ्ट जा रहा है, आप ये देखें एम मीटर में करंट कहां से कहां गया, ऐसे गया तो डी से सी गया, तो आंसर क्या लिखेंगे? डी से सी, एम मीटर के हिसाब से आंसर देना होता है, डी से सी। क्या ये पॉइंट क्लियर है? इसका आंसर सही है कि गलत है बताओ? मैंने इसमें लिखा हुआ है बी से ए, सही गलत कि उल्टा होना चाहिए? ए से बी, ऐसा क्यों? आपको ऐसा ही लग रहा साउथ नॉर्थ है, नॉर्थ साउथ है, उल्टे हैं, तो अगर मैं यहां पे करंट नीचे निकाल रहा हूं ऐसे, तो यहां पर मुझे उल्टा ही निकालना चाहिए कि नहीं? कि सेम आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं है। कैसे? बी से कैसे?
देखो ये मैं समझता हूँ कि ये जैसे सपोज चलो साउथ पोल है, साउथ पोल मतलब क्लॉकवाइज है, ओके साउथ पोल क्लॉकवाइज है, ऐसे क्लॉकवाइज तो ऐसा ही हुआ ना, साउथ पोल का तो क्लॉकवाइज है ना, तो क्लॉकवाइज अगर यहां से देखेंगे तो क्लॉकवाइज तो ये बना ना, तो आंसर तो ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां से देख रहे हैं, क्योंकि यहां से साउथ पोल को देख रहे हैं तो यहां क्लॉकवाइज ऐसे दिखेगा और यहां से ऐसे दिखेगा, ठीक है, पर कंफ्यूजिंग बहुत है, कोई कैसे दिखेगा कोई कैसे नहीं दिखेगा, बट आइडिया समझ में आ रहा है आपको कि कैसे आंसर दिया मैंने, क्योंकि मैं इसको यहां से देख रहा हूं और इसको यहां से देख रहा हूं, देखने का नजरिया भी तो देखो ना चेंज हो गया, तो इसलिए यहां पर क्या आएगा, बी से ए ही आएगा, क्योंकि क्लॉकवाइज तो ये बनेगा ना, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज बाहर आए, ठीक। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं लेंस लॉ के जो काम आएंगे आपके।